नमस्कार, जय हिंद। सनस्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आज देश का सुनहरा दिन, देश की आजादी का दिन 15 अगस्त, वह स्वर्ण तारीख जब हमारा देश आजाद हुआ। आज हम देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज तो देश चमकता नजर आएगा। हर शहर, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले की दुकान में तिरंगा ही लहरता नजर आएगा। जब हम रास्तों पर निकलेंगे तब देशभक्ति के गीत की मधुर आवाज हमारे कानों पर सुनाई देगी। हर चौक में रंगोली की बहार होगी। हर टीवी पर देशभक्ति के फिल्म का लुत्फ हम उठाएंगे। रेडियो पर देशभक्ति के गीत हम गुनगुनाएंगे। जब कहीं से गुजर रहे होंगे तो राष्ट्रगीत की आवाज मन को भावुक कर देगी। ऐसे मनाएंगे हम हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेज तो देश छोड़ गए, 75 साल हो गए और देश आजाद भी हो गया, पर आज भी ऐसी क्या बात है जो हमें आज भी आजादी से वंचित रखती है? आज हम सब यही कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। क्या सचमुच हम आजाद हैं? कुछ बातों पर हम आज गौर करेंगे। क्या किसी अन्य प्रांत के व्यक्ति की भाषा को आप दिल से अपनाते हैं? बुड़बक कहकर क्या किसी बिहारी का मजाक उड़ाने में आपको झिझक महसूस होती है? क्या किसी नॉर्थ ईस्ट व्यक्ति को देखकर चीनी बोलने से पहले आपकी जुबान भारी होती है? क्या किसी साउथ इंडियन को देखकर आपके मन में उसके काले रंग को लेकर विचारों के निर्माण को आप रोक सकते हैं क्या? अगर ऐसा आप नहीं करते तो आप अभी भी गुलाम हैं, आजाद नहीं। धर्म को अहमियत देना गलत नहीं, परंतु दूसरों के धर्म को नीचा दिखाकर खुद के धर्म को ऊपर करने की कोशिश आपको आजाद नहीं गुलाम बना देती है। कॉलेज में, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी किसी व्यक्ति से मिलते समय उसका नाम पूछने के बाद क्या उसका पूरा नाम पूछना जरूरी है? वो कितना भारतीय, इसका प्रमाण आप उसके धर्म से लगाएंगे क्या? अगर ऐसा है तो आप अभी भी गुलाम हैं, आजाद नहीं। किसी को किराए पर कमरा देने से पहले उससे उसका नाम पूछना गलत नहीं, पूरा नाम पूछना भी गलत नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को आप अपने घर में रहने की जगह देंगे तो उसकी जानकारी होना तो जरूरी है, पर आखिरी में उसका धर्म पूछना और वो आपके धर्म का ना निकले तो किसी न किसी बहाने से उस व्यक्ति को कमरा देने से मना कर देना, ये तो धर्मवाद है। ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता अभी भी गुलामी के दिनों की सैर ही कर रही है। आज भी अगर आप दलितों के बर्तन अलग, मुस्लिम के बर्तन अलग रखते हैं तो आपकी मानसिकता अभी भी 75 साल पीछे ही चल रही है। इंसान को इंसान समझो, जाति से उसकी इंसानियत को तय करना आजादी नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुस्लिम, मैं गुर्जर, मैं जाट, मैं बनिया, क्या कभी ये कहते हो गर्व से कि मैं भारतीय? कब तक ये धर्म जाति का बंटवारा करते रहोगे? हिंदू है तो भगवा, मुस्लिम है तो हरा, ईसाई है तो सफेद, कब तक ये भेदभाव के रंगों की होली में उलझे रहोगे? हम आजाद है, भारत आजाद है। अपनी मानसिकता से खुद को गुलाम मत बनाइए। अपने आप को खुले विचारों वाले बताते हैं, महिलाओं को आजादी देने की बात करते हैं। आजाद देश में फिर से आजादी दिलवाने वाले आप कब से हुए? उनको अलग से आजादी देने की जरूरत नहीं है, महिलाएं पहले से ही आजाद है। बेटा फौज में जाएगा अच्छी बात है, लेकिन बेटी अच्छे अमीर घर में जानी चाहिए। क्यों, बेटी को फौज में जाने की आजादी देश ने वापस ले ली है क्या? जब हम यह सोचना बंद कर देंगे तब असली मायने में हम आजाद कहलाएंगे। बहू बेटा ही होना चाहिए, घर का चिराग आएगा। क्यों, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, इन लड़कियों ने अपने घर में लड़कों से ज्यादा दिए जलाए नहीं क्या? क्या परिवार का, देश का नाम ऊंचा नहीं किया क्या? तो क्यों ये गुलामी वाली मानसिकता आज भी हमने संभाल रखी है? जब तक हम गुलामी के विचार, मानसिकता, धर्मवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, बेटा बेटी में भेदभाव जैसे बर्ताव को नहीं भूलेंगे तब तक हमारा देश और हम आजाद नहीं हो पाएंगे। चाहे तब हम आजादी के 75 साल का जश्न क्यों ना मना ले, चाहे 100 साल का जश्न क्यों ना मना ले, जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम आजाद नहीं होंगे। मानसिकता को बदलो, देश को आजाद करो।